चलो वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से फैमिली पैकेज जाएगा। जो जो सही जवाब देगा, सबसे पहले चैंपियन से सवाल करूंगा, दूसरे नंबर पर टिकटॉकर्स हैं, तीसरे नंबर पे इंस्टाग्रामर और आखिर में है यूट्यूबर्स। अच्छा जनाब चैंपियंस, सवाल गौर से सुनना। कौन है जो हाथी जितना बड़ा है मगर उसका कोई वजन नहीं है? हाथी जितना बड़ा है मगर उसका कोई वजन नहीं है, क्या है वो? जो हाथी जितना बड़ा है मगर उसका वजन नहीं है। जानदार चीज़ है, कुछ भी हो सकता है वो। मुझे भी यही लग रहा है। कौन है जो हाथी जितना बड़ा है मगर उसका कोई वजन नहीं है? हाथी जितना बड़ा, साइज में बड़ा कह रहा हूं मैं, हाँ, मगर उसका वजन नहीं है। कौन है जो हाथी जितना बड़ा है मगर उसका कोई वजन नहीं है? 5, 4, 3, 2, 1। बादल। गलत जवाब। इसका सही जवाब था हाथी का साया। जो हाथी जितना बड़ा लेकिन उसका कोई वजन नहीं है, गलती हो गई चैंपियंस की। रात को निकले हाथी तो उसका साया नहीं होगा, हम तो बात कर रहे हैं उस वक्त की जब धूप निकली भी हो। चले जनाब बारी किसकी है? टिकटॉकर्स की। वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? पीछे रहने वाला जीत जाता है। वाइल्ड वेंचर की तरफ से फैमिली पैकेज जाएगा। गेम है ना? गेम है। वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? हाँ भाई सर, रस्साकशी। वो जो लाइन क्रॉस करनी होती है और पीछे खींचते हैं और पीछे आ जाते हैं तो जीत जाते हैं। जितना ज्यादा पीछे खींचने वाला जीत जाता है। वो रस्सा कशी में होता है। हाँ, जो भी गेम है वो रस्सी से खींचते हैं। गलत जवाब नहीं है, सही जवाब। एक पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से फैमिली पैकेज जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। रेडी सही करो। अच्छा बारी किसकी है? तुम्हारी किस्मत में बड़ा आसान सवाल आ गया। EMS इवेंट्स एंड टूर्स की तरफ से कहां का? गोरख हिल स्टेशन का पैकेज है। जो सही जवाब देगा उसके साथ जाएगा। EMS इवेंट्स एंड टूर्स प्रोवाइड इकोनॉमिकल, प्रोफेशनल एंड रिलायबल टूर्स एंड इवेंट सर्विसेज। वो कौन है जो नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ता है? ऐनक। कह रहा था बहुत आसान है। बिल्कुल सही जवाब ऐनक। ये एक पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ। EMS इवेंट्स एंड टूर्स की तरफ से गोरख हिल स्टेशन का पैकेज भी विन किया है टीम इंस्टाग्रामर्स ने। आखिरी है यूट्यूबर्स, एक और पैकेज दूंगा गोरख हिल स्टेशन का EMS इवेंट्स एंड टूर्स की तरफ से। ऐसा क्या है जिसको आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते? हाँ अब बताओ, ऐसा क्या है जिसको आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते? एक बार देख सकते हैं उसे। अगर गौर करो तो बहुत आसान है इसका जवाब। क्या चीज है जो तुम एक बार देख सकते हो? ऐसा क्या है जिसको आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते? 5, 4, 3। सर चीज कैसी है? चमाट पड़े हैं आपके दो चमाट। हाँ चीज कैसी है? चीज नहीं है। अभी तो बोल रहे। ऐसा क्या है जिसको आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा नहीं देख सकते? 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। जाओ आया 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 आ गया आ गया आ गया। टाइम अप। मैं गलती काउंट कर लूंगा। और यूट्यूबर्स ने कोई जवाब नहीं दिया है, मैं काउंट कर लूं ये? जल्दी बोलो सर। एक बार देख सकता है फिर वापस नहीं देख सकता। मैं बता सर, इतनी सारी चीजें आ रही ज़हन में, कोई भी। सर ये तो हमारी मर्जी है, फिर हम तो किसी भी चीज को दोबारा नहीं देखें, अपनी मर्जी। टाइम अप। आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, काउंट नहीं होगा। कौन था ये इतना अकलमंद आदमी हमारे अंदर कौन बैठा है? एलन मस्क। एलन मस्क आए हमारे साथ यहाँ बैठे, जो कह रहे सूरज को आप एक दफा देख सकते हैं उसके बाद नहीं देख सकते। क्यों ऐसा क्या आंखें खराब हो गई आपकी? नहीं, इसका जवाब है गुजरा हुआ कल।
जो भी मूवमेंट चल रहा है जब गुजर जाएगा इसको दोबारा नहीं देख सकते हो तुम लोग, इतना आसान था ये। सर हम लोग व्लॉग बनाते हैं, वापसी देखते हैं। नहीं उस वक्त, अभी जो तुम्हारा ये मूवमेंट चल रहा है ये मूवमेंट वापस थोड़ी आएगा तुम्हारे लिए। टीवी पे चल जाएगा। टीवी पे नहीं देखना ना, इस मूवमेंट को मुझे तुम देख रहे हो लाइव अभी। हाँ जी यहाँ आ गया मैं, इससे पहले क्या देख रहे थे? यहाँ देख रहा था। यहाँ मैं नहीं हूँ ना अब। इस तरह ये गलती हो गई है, ये नहीं जाएगा पॉइंट यूट्यूबर्स के साथ। एक पॉइंट जीता टिकटॉकर्स ने, एक पॉइंट जीता इंस्टाग्रामर्स ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।